आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी की अपील, तो गरीब बेटियों की स्किल डेवलपमेंट की उठाई जिम्मेदारी, बनारस के विकास पर कही बड़ी बात। सेना ने लश्कर कमांडर अबू जरार को किया ढेर, 11 अक्टूबर को सेना के काफिले पर किया था हमला। एसआईटी ने लखीमपुर कांड को बताया साजिश, राहुल बोले मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के अनुराग ठाकुर, कहा उन्होंने बोलने से पहले दो बार सोचना चाहिए। चारधाम रोड की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, कहा देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। चुनावी शंखनाद के लिए 16 दिसंबर को देहरादून आ रहे राहुल गांधी की जनसभा के केंद्र में सैनिक और पूर्व सैनिक होंगे। उत्तराखंड के सैनिक का बाहुल्य पृष्ठभूमि ही है, जिसे ध्यान में रखकर कांग्रेस ने इस कार्यक्रम की तिथि तय की और समारोह के नामकरण किया। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान पर निर्णायक जीत दर्ज की थी। प्रदर्शनी शौर्य सम्मान समारोह में राहुल का कांग्रेस शासनकाल में सैनिकों ने इसी पराक्रम को याद दिलाते हुए गर्जेंगे। भाजपा की चुनावी तैयारी की काट के लिए प्रमुख विपक्षी दल ने इस बार सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाए हैं। चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा केंद्र औली में अगले साल से 9 फरवरी तक नेशनल स्केपिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों में 200 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे और पर्यटन विभाग इस चैंपियनशिप के आयोजन की तैयारियों में जुट गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के इन तिथियों में पर्यटक आवास गृह की बुकिंग न लेने के कहा गया है। चमोली जिला प्रशासन को भी गेस्ट हाउस और होटल आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। पांचवी बार आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दौरे पर काशीपुर जाएंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रामलीला ग्राउंड के जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केजरीवाल उत्तराखंड की जनता के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। कालाडूंडी विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भारत ने कालाडूंडी रामलीला मैदान में ट्रेड फेयर प्रदर्शनी मेले का रिबन काट कर शुभारंभ किया, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए दुकानदारों ने हैंडलूम कपड़ों, फैंसी ज्वेलरी आदि की दुकान और बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए। इस दौरान मंत्री ने झूले झूल कर मेले का लुत्फ भी उठाया। कालाडूंगी में ये प्रदर्शनी कशिश ग्राम उद्योग विकास समिति के द्वारा लगाई गई है, जिसका आज शुभारंभ माननीय मंत्री भगत सिंह जी ने किया है। इस प्रदर्शनी को 25 दिसंबर तक चलाना है, जिसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग दुकानदार आए हुए हैं, जिसमें खासकर कश्मीरी शाल आया हुआ है, इसमें गुर्जा की क्रॉकरी आई है, लुधियाना की होटली आई हुई है और बाकी अन्य बच्चों के लिए यहाँ पे झूलों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले, जो कोविड के बाद बच्चे घर में बैठे सब बच्चे बोर हुए हैं, तो अब यहाँ पे बच्चे लोग आ रहे हैं इसमें मनोरंजन में। और इस प्रदर्शनी में कालाडूंगी के पूरे जनता को हमारी तरफ से निवेदन है कि वो लोग आए और इस प्रदर्शनी का लाभ उठाए। कालाडूंगी रामला ग्राउंड में जो नुमाइश लगी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चले और पूरा समय अपना चले और अच्छे ढंग से लोग इसका लाभ उठाएं, यहाँ जो बिक्री का सामान आया है उसका लाभ उठाएं, मनोरंजन के जो सामान आए हैं उनका लाभ उठाएं। चंपावत टनकपुर के प्रसिद्ध धाम पूर्णागिरी के पर्वत श्रृंखला में आ रही दरारों की मरम्मत करने का काम किया जा रहा है, जिसे वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इस दौरान उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलिया ने कंसल्टेंट एजेंसी के साथ काम का निरीक्षण किया, जिसमें उप जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य के दौरान मजदूरों को सावधानी की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर पहाड़ी ढलान क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा जरूरी है। आगे उन्होंने मंदिर के पुजारियों से कहा कि मरम्मत के काम में वो अपना पूरा सहयोग करें। श्री पूर्णागिरी मंदिर के जो निचले जगहों पे जहाँ जहाँ पे दरारें आ रही हैं,
उसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ है, जिसका निरीक्षण के लिए आज मैं जो हमारी कायदे एजेंसी है और जो कंसल्टेंट एजेंसी है उसके साथ हमने वहाँ पे निरीक्षण किया था। इस संबंध में उनके द्वारा काफ़ी काम अभी स्टार्ट कर लिया गया है और मार्च 2022 तक उन्होंने वो कार्य पूरा करना है। इसके संबंध में मेरे द्वारा उनको जरूरी जो भी दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं कि उन्हें पूरी सुरक्षा का अपना ध्यान रखा जाए और ख़ासतौर से जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एरिया है। और इसके साथ ही मंदिर समिति चमोली के विकास खंड जोशीमठ के सीमा धरणी घाटी के जुबागाड में 7 फरवरी को आपदा भीषण आपदा का हुआ, जहां रैणी गांव में पास बना पुल टूट गया था, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी ये पुल नहीं बन पाया, जिससे ग्रामीणों की ट्राली और रस्सी की सहारा आवाजाही करनी पड़ रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द ही पुल नहीं बनाए जाने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। कि देखो, हमारे ग्राम सभा रेणी में जो गाड़ में जो 7 फरवरी को आपदा आया है, आपदा आया उस टाइम से अभी कोई पुल का निर्माण नहीं हुआ, पुल बह चुका था। अभी हमें को ट्रॉली का निर्माण करना पड़ रहा है, ट्रॉली में चलना पड़ रहा है। और खबर गढ़वाल से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने लैंस डाउन विधानसभा के विकास खंड नीरंडा के बूथों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ के पंजीकृत मतदाताओं और नए वोटर की जानकारी ली और घर घर जाकर नए मतदाताओं का फॉर्म भरवाया और कहा कि जो अपने घरों से बाहर दूसरे स्थानों पर है उनसे संपर्क करके ऑनलाइन फॉर्म भरवाए। रैली को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व में लगे हुए हैं। रैली को लेकर बैठक की गई है और वही विधानसभा फिरान कलियर अध्यक्ष शहजाद अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार की 5 साल की विफलताओं से प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है। जनता भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने को तैयार है और भाजपा सरकार में केवल महंगाई बेरोजगारी को नौता दिया है, लोगों को अपने परिवार का पालन पोषण करना भी भारी हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऋषिकेश में कांग्रेस ने परिवर्तन रैली निकाली, जिसमें नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह शामिल हुए। नटराज चौक पर प्रीतम सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नारेबाजी करते हुए प्रीतम सिंह को चंद्रशेखर नगर लाया गया, जहां से परिवर्तन रैली का शुभारंभ हुआ। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए परिवर्तन रैली श्यामपुर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि 2017 में जिन वादों और घोषणाओं को लेकर भाजपा ने सत्ता हासिल की थी, वो वादे कोरे साबित हुए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। अब 2022 का चुनाव है, हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो वादे किए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया। इसलिए परिवर्तन यात्रा है कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए। और आगामी विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक कराने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने बस अड्डा पौड़ी में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और फ्लैग हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और निष्पक्ष मतदान कराने का संकल्प लेते हुए फ्लैग हस्ताक्षर करवाए थे। साथ ही जिलाधिकारी की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करते हुए स्वीप सेल्फी प्वाइंट में फोटो भी खिंचवाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि नए मतदाताओं के फॉर्म 6 भरवाकर मतदाता निर्वाचक नाम वाली में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। से लक्सर जा रही ईट से लदी ट्रैक्टर ट्राली की ट्रक चालक ने ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी, जिस ट्रैक्टर ट्राली पुल से करीब 25 फुट नीचे नदी में जा गिरी। दुर्घटना में ट्रक चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला। राहगीरों ने दुर्घटना की जानकारी लक्सर पुलिस को देते हुए घायल ट्रैक्टर ट्राली चालक जितेंद्र और ऋतिक नामक मजदूर की निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया।
आपको बता दें कि हादसे की सूचना पर लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट पुलिस बल लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने राहगीरों की मदद से उल्टे पड़े गाड़ी को सीधा करके दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। तरफ से लक्सर की तरफ जा रहे थे तो इस ट्रक ने इनको हिट किया तो ये पुल सुनौली पुल से नीचे गिर गए थे, जिसमें दो की ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसमें एक बॉडी नीचे दब गई थी तो इनको बाहर निकाल दिया। रुड़की कलियर विधानसभा में मौजूद कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने बयान दिया है। उन्होंने पत्रकार के एक सवाल पर आम आदमी प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलेख को लेकर विवादित बयान दिया। विधायक फुरकान अहमद की खटास पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी शादाब आलम ने पलटवार करते हुए कहा कि यह 5000 वाला इंजीनियर ही कलियर विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेगा। आपको बता दें कि जहां कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने इंजीनियर शादाब आलम को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने कलियर विधानसभा से सुरेंद्र सैनी को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है। 5000 रुपए बताइए आपने, ये इंजीनियर यहाँ की तकदीर बदलेगा, यहाँ की तस्वीर बदलेगा तो बताएगा। यहाँ के इंजीनियर और पढ़े लिखे युवा आपको जवाब देंगे, जो आज तक आपने उनको गौर नहीं दी ना युवाओं पे, आज तक रोजगार के लिए नहीं सोचा ना आपने, आज तक यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए नहीं सोचा है ना, ये इंजीनियर आपको बताएगा कि कैसे 5000 रुपए की नौकरी मिलती। आज तक बहुत से जो इंजीनियर है 5000 रुपए में, फिर रेचा कितने इंजीनियर ले लो, तो यहाँ इंजीनियर से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो जनता उसे वोट देगी जो जनता के बीच में रहते हैं, हर वक्त जनता के साथ काम करते हैं, 24 घंटे दिन रात हम मेहनत करते हैं। हाँ, अब मुझे अपने युवाओं का हमारे जो सितारगंज स्वास्थ्य केंद्र के सामने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के बैनर तले कर्मचारियों की 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना 11 दिन भी जारी रहा। उनका कहना था कि उनको 2 सूत्री मांगे हैं, जिसमें एक उनके वेतन के संबंध में है, दूसरा आउटसोर्सिंग के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं ली जा रही है, इसे बंद करके उनके जिला स्वास्थ्य सेवाओं में मार्च किया जाएगा। जब तक सरकार उनकी मांगों का सरकार समाधान नहीं कर रही है, इसलिए कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। उससे सरकार से बात चल रही है, अभी इससे पहले जो CGS थे वो एक्सपायर हो गए, कल जो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे कल वो वहाँ वाराणसी चले गए, इस बात जो है उनसे बात कल नहीं हो पाई, आज हमें उम्मीद है कि शायद उनसे बात वार्ता हो जाएगी और कुछ हमारे लिए अच्छा परिणाम निकल के आएगा। और हमारी मुख्यतः 2 मांगे हैं, एक जो मांग है वो हरियाणा के तर्ज पे जो है ग्रेड पे लागू हो जाए और 60 साल तक की सेवा। बाजपुर में विधानसभा गदरपुर क्षेत्र की जनता मजदूर किसान सभी की जनहित की समस्या को देखते हुए समाजवादी पार्टी के बूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव नेतृत्व में दर्जन आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। अग्निशमन केंद्र की मांग को लेकर अग्निशमन केंद्र स्थल पर ही सांकेतिक 2 घंटे का धरना दिया। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि बोरिया रोड स्थित अग्निशमन का 23 मई 2007 को वर्तमान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पूर्व में विधायक रहते हुए इसका शिलान्यास किया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार घोषणाएं और शिलान्यास किए जा रहे हैं। गजपुर विधानसभा क्षेत्र पोरिया रोड स्थित अग्निशमन को शिलान्यास के हुए लगभग 14 साल बीत गए, लेकिन अभी तक इसको स्थान रूप से नहीं बनाया गया। समाजवादी पार्टी के साथी विधानसभा गदरपुर में बैठे हैं, आपको बताना चाहते हैं 23 मई 2007 को तत्कालीन बाजपुर विधायक एवं वर्तमान में गदरपुर के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद पांडे जी द्वारा 5 ग्रेड का शिलान्यास किया गया था, जिसमें आज 14 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज 5 ग्रेड के नाम पर सिर्फ यहाँ पर कूड़ा करकट है, पानी भरा है। आज तक बाजपुर क्षेत्र को स्थायी अग्निशमन केंद्र नहीं मिल पाया, उसकी मांग को हम लोग लेकर आज धरना दे रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष हमारे किसानों की लाखों रुपए की फसल जलकर राख हो जाती है, हमारे जो गरीब भाई मजदूर हैं उनकी झोपड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो हमारा सांकेतिक धरना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं आवाज़ हमारी पहुँची, तो हम इसको स्थायी धरना करने का कार्य करेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं जिस प्रकार से हमने 58-34 एकड़ भूमि के लेकर पहाड़ों में प्रधानमंत्री ग्रामीण श्रमिक योजना के तहत बन रही सड़कों पर प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा को तार तार किया जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता बेहतर ही घटिया हो चुकी है। ऐसे ही सड़क नारायण बागड़ में पंती डांगतोली हंसकोटी
पीएमजीएसवाई के अधीन बनी है, जिस पर पिछले 2 साल से तृतीय चरण के कार्य किए जा रहे हैं। अब यह सड़क पीएमजीएसवाई से ब्रिडकुल के हस्तांतरित कर दी गई है और इस पर बुलंदशहर की कार्यदायी संस्था रेडटेक बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड द्वितीय चरण का कार्य कर रही है। वहीं पंती से हंसकोटी तक कुल 7 किलोमीटर सड़क पर अभी 10 दिन पहले ही हंसकोटी के पास से डामरीकरण कार्य शुरू किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने खराब डामरीकरण करने की शिकायत कर कार्य को रोकने की मांग की है। वो लगा है दूसरे में मेरा खेत, जबकि रोड में भी नहीं कटा हुआ है। इन्होंने सारा मलमा मेरे खेत में डाल दिया है और मैंने इनको बताया भी कि भाई वो इन्होंने जब मैं घर में नहीं था, मेरे घर वाले हॉस्पिटल में थे, मैं हॉस्पिटल में था, इन्होंने उसके बाद मेरे खेत में सारा मिट्टी डाल दिया, मलमा पत्थर पुत्थर सारे डाल दिए और मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरा खेत सही कर दो। अब मैं या तो मेरे खेत का मुआवजा मिलना चाहिए, और एक खेत ये है कि वो ऊपर से टूटता जा रहा है। ये पुस्तक के लिए बोला, हमारा गांव का ही वो मतलब वो काम करवा रहा है उसमें, मैंने उसको भी बोला, उसने कहा कि तुम विभाग से बोलो, विभाग से आज यही साहब आ रखे हैं, मैंने यही साहब से भी कह दिया है। उन्होंने कहा ठीक है हम लगवा देंगे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो मेरा तो इस संबंध में पहले ये कहना कि जो हमारे यहाँ ये रोड कटी है पंती से हंसकोटी, इस पे फर्स्ट कार्य होना है जो 300 मीटर छूट रखा है हमारा। उसके बाद जो दूसरा काम है, यहाँ पे दीवारों का काम पूरा नहीं हो रखा है। गांव के नीचे कई जगह पे समस्याएं हैं, मकानों को खतरा बना हुआ है। पहले तो उन पे दीवारें लगनी है, उसके बाद जो डामर हो रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। डामर भी आजकल ना डामर का कोई सीजन है, तो सीजन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। जो डामर बिछाया जा रहा है वो मिट्टी के ऊपर बिछाया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी लो क्वालिटी की है। तो हमारा कई मैंने कई बार इन लोगों से बात की है फोन पे कि आप आइए यहाँ पे पर्टिकुलर। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।